स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदू संगठनों का कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन, स्वामी प्रसाद के प्रतीकात्मक पुतले को लगाई गई फांसी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा हाल ही में रामचरितमानस पर उठाए गए सवाल के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं के तेवर काफी उग्र दिखाई दे रहे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रतीकात्मक पुतले को कलेक्ट्रेट के बगल में स्थित पेड़ पर फांसी लगाई गई और जमकर विरोध जताया गया। हिंदू संगठन के लोगों का आरोप था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने पिछले वर्ष के विधानसभा चुनाव में नकार दिया था, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू धर्म के आस्था के केंद्र रामचरितमानस के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, उससे जनमानस आहत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने स्वामी प्रसाद को बतौर इनाम राष्ट्रीय महासचिव अपनी पार्टी में बना दिया। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं, जिसमें जो हिंदू धर्म का अपमान करेगा उसको वह बढ़ावा देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की इस दौरान हिंदू संगठनों की तरफ से मांग की गई। वहीं यह भी कहा गया कि इस देश में जो भी हिंदुओं का विरोध करेगा, जो भी हिंदुओं को नकारेगा, वह कभी सत्ता में नहीं आ पाएगा। हिंदू संगठनों के विरोध के चलते कलेक्ट्रेट क्षेत्र में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हाथों में तमाम नारे लिखी तख्तियां भी लिए हुए थे। सुनते हैं जागरण मंच के विभागाध्यक्ष राधा मोहन गोयल ने क्या कहा। अपनी जो है राजनीति की रोटी सेकने के लिए ये लोग हिंदू धर्मों का, हिंदू सनातन धर्म में जो है क्या नाम है ग्रंथों का जो है अपमान करना जान रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है पब्लिक ने जो है आम लोगों ने जो है एकदम नकार दिया। आप लोगों ने देखा वो चुनाव भी हार चुके हैं। अब इनके पास कोई तथ्य रह नहीं गया था, जिसके वजह से उन्होंने जो है अपने आप को एक छोटी मानसिकता प्रदर्शित करते हुए जो अपना एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसके वजह से जो है हिंदू धर्म काफ़ी आहत हुआ, हिंदुओं को जो है काफ़ी आहत होना पड़ा। ऐसे कंडीशन में हम सभी लोगों को ये आशा थी कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, इनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, इनको उन्होंने इनाम के तौर पे जो है राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया। ये बहुत ही गलत है। जिस प्रकार से पुत्र जो है क्या नाम अपने बाप के धर्मों को जो है निभाता है, वही परंपरा जो है क्या नाम है इन्होंने निभाई है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो है क्या नाम है 91 में जिस प्रकार से निहत्ते राम भक्तों पे जो है उस समय की सरकार ने गोली चलवाई थी, उसी प्रकार से बेटा भी आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए आज जो है क्या जो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, जो सनातन धर्म का अपमान कर रहा है, जो हमारे भगवान श्री राम का अपमान करता है, उसको ये जो है इनाम के तौर पर राष्ट्रीय पार्टी में। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन